अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। दोस्तों, आज जिस हीरोइन की मैं बात कर रही हूँ, उनके पूरे करियर में एक फिल्म ऐसी आई थी, रजनीगंधा, जिसकी वजह से वो आज तक लोगों को याद हैं, और वो हैं भोली भाली सीधी सादी विद्या सिन्हा। रजनीगंधा फूल तुम्हारी महके यूं ही जीवन में, यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। 15 नवंबर 1947 में पैदा हुई थी विद्या सिन्हा मुंबई में। नाम तो उनका विद्या था, लेकिन पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं हुई और वो हीरोइन बन गई, और वो भी बड़ी आसानी के साथ। कोई भी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उनके पिता फिल्म प्रोड्यूसर थे और उनका नाम था राणा प्रताप सिंह। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा तेरी तुम्हारा मन, जाने मन जाने मन जाने मन। विद्या सिन्हा ने ज्यादातर फिल्मों में एक ही जैसे रोल किए, भोली भाली सीधी सादी लड़की के। लेकिन बहुत जल्दी उनको इस बात का एहसास हो गया कि अगर टॉप मोस्ट हीरोइन बनना है तो थोड़ा सा तो ग्लैमर का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने अपना इमेज, अंदाज बदलने की कोशिश की। एक परदे को तुम आज उठाओ, एक परदा गिराए तुम थोड़ा चलकर नजदीक आओ, थोड़ा करीब आए हम। फिल्मों में आने से पहले ही विद्या सिन्हा ने शादी कर ली थी, लव मैरिज। उनके पति साउथ इंडियन थे और उनका नाम था वेंकटेश अय्यर। उनकी एक ही बेटी है और उसका नाम है जानवी। लेकिन अफसोस कि 96 में विद्या सिन्हा के पति की डेथ हो गई। अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात, मैं जाने क्यों। 2001 में विद्या सिन्हा ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन अफसोस कि उनके दूसरे पति बहुत ज्यादा लालची निकले। बहुत जल्दी उन्होंने पैसों की डिमांड शुरू कर दी, और जब विद्या सिन्हा ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो वो मारपीट पे उतर आए, और अब ये बात पुलिस और अदालत में है। विद्या सिन्हा कहती हैं कि मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मैं टॉप मोस्ट हीरोइन नहीं बन पाई, लेकिन इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं एक अच्छी माँ हूँ। मैंने अपनी बेटी को, जानवी को, पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया है कि वो एक बहुत ही हसीन और खुशगवार ज़िंदगी बसर करें। विद्या सिन्हा अब 70+ हो गई हैं, फिल्मों में भी काम कर रही हैं आजकल और टीवी सीरियल में भी, और अपनी बेटी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हैं।
बस ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।